So, guys, uh, these are the news from 4th of January. Let's start. So, India approves COVID uh, 19 vaccines. कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन फॉर इमरजेंसी यूज सी डी एस सी ओ इन्होंने फॉर्मल अप्रूवल uh, दे दिया है वैक्सीनेशन प्रोसेस को और ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी द्वारा दिया गया है और ये बोला गया है कि दे आर द अप्रूवल्स अकॉर्डेड आर फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज इन एमरजेंसी सिचुएशन ठीक है कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन कोविशील्ड जो है हमने पढ़ा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई है ठीक है एस्ट्राजेनेका दोनों ने कोलैब करके बनाया है एंड मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है तो ये है ये जो वैक्सीन है ये यूज करती है रेप्लीकेशन डेफिशियंट चिमपेजी वायरल वैक्टर बेस्ड ऑन अ वीकेंड वर्जन ऑफ अ कॉमन कोल्ड वायरस ओके दीज वायरस

एंड इट हैज बिन डेवलप्ड बेस्ड ऑन अइनएक्टिवेटेड सार्स को टू स्ट्रेन ठीक है जो कि कल्चर किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पे और ये जो वैक्सीन है ये डिस्ट्रॉय करती है पैथोजिन की एबिलिटी को टू रेप्लीकेट ये रेप्लीकेट ही नहीं, नहीं होने देती ओके okay? और इसको इट कीप्स इट इंटैक्ट सो देट द इम्यून सिस्टम कैन स्टिल रिकोगनाइजना एंड प्रोड्यूज एन इम्यून रिस्पॉन्स रिकोग्नाइज करके उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स वो करना ये इस वैक्सीन का कोवैक्सीन का मेन मकसद है ओके सो वैक्सीन इज आउट बट डेटा मिसिंग वैक्सीन तो आ गई है लेकिन डेटा मिसिंग है वो जो फेज थ्री ट्रायल की हम बात कर रहे थे तो वो जो पब्लिक नहीं किया गया है डेटा को कहां पर हुआ क्या अफेक्ट हुए क्या नहीं हुए तो ये आप एक बार ये टेबल पढ़ लेना ओके okay? सो फसाइज स्लैश लिमिट फॉर ट्रांस फैट्स लेवल ट्रांस फैट्स जो है दे आर अनसेच्यटेड टाइप ऑफ फैट्स विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आर बॉडी ये लार्जली प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियली लेकिन स्मॉल क्वांटिटी जो है वो भी प्रोवाइड होती है नेचुरली बाय एनिमल्स और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क एंड मीट ओके तो फसाई ने बोला है कि ये जो फैट्स हैं इनको थ्री परसेंट करना है 2021 तक अभी फाइव परसेंट पॉमिसिबल लिमिट था एंड हमें टू परसेंट करना है 2022 तक ओके okay? नाउ ये जो नेचुरली अकरिंग जैसे मैंने आपको बताया कहा पाए जाते हैं कैसे अकर करते हैं एंड आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा क्रिएट किया जाता है और ये काफी मतलब इट्स वेरी इजी टू यूज इनएक्सपेंसिव है है ना ज्यादा टाइम तक चलता है एंड एक अच्छा टेस्ट और टेक्सचर भी देता है ये खाने को तो लोग इसे मतलब जानते हुए कि दिस इज हार्मफुल फॉर आर हेल्थ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ओके और इससे काफी डिजीज भी होती है हार्ट अटैक होते हैं एंड हार्ट डिजीज होती हैं एंड डब्ल्यू एच ओ ने ग्लोबल एलिमिनेशन के लिए बोला है ऑफ ट्रांस फैट्स बाय 2023 याद कर लेना इसे कि ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट्स करना है बाय 2023 चाइना अमेंड डिफेंस लॉ टू बूस्ट वॉर प्रिपेयरनेस अपने आप को वॉर के लिए तैयार करना ठीक है तो उन्होंने एक डिफेंस लॉ अमेंड किया है ठीक है और इसका मेन जो जो फ्रेज है यहाँ पे एक यूज किया गया है डेवलपमेंट इंटरेस्ट ये एक एडिशन है ओके तो ये जो अमेंडमेंट है इट ब्रॉडन द स्कोप ऑफ की सिक्योरिटी फील्ड बियॉन्ड लैंड बॉर्डर मेरी एयर डिफेंस टू इंक्लूड आउटर स्पेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क इनको भी इंक्लूड किया जा रहा है द अमेंडमेंट ऑल्सो सेडेड चाइना विल पार्टिसिपेट इन ग्लोबल सिक्योरिटी गवर्नेंस ये पॉइंट पर लेना होके okay? एंड ये जो है इन्क्रीज करेगा कंट्रोल को चाइना के ओके okay? एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली चाइना और उसके आसपास की कंट्रीज हम सबको पता है कि चाइना क्या क्या स्टेप्स लेता रहता है और कैसे कैसे वो काम करता है है ना तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए तो ये सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑब्वियसली रिसर्च डेवलपमेंट इस इसपे ज्यादा फोकस है और मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उनका उस पर भी उन्होंने और ज्यादा मतलब अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर करना यही टाइटल था तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि क्या इनका मकसद क्या है, है ना नाउ ये जो है सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट टू रिपील लॉ विच कन्फिस्केट कैटल बिफोर ऑनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी ठीक है तो मतलब कन्विक्शन uh, के पहले ही ठीक है कि बंदे बन, ने कुछ जुर्म किया है ये साबित हुआ नहीं हुआ उससे पहले ही उससे उसकी कैटल्स वगैरह ये सब छीन लेना और कहीं और रख देना सेफ्टी के लिए तो ये गलत है क्योंकि बोला गया है कि पहले हमें सबूत हम, हम, हमें हमें श्योरिटी हो जाए कि भाई क्रुएल्टी हुआ है तब जाके हम उसको सजा सुनाए उस, जुर्म से पहले सजा देना इज नॉट राइट ओके तो ये चीज बताई गई है इसमें क्योंकि सिर्फ स्पेशन शक के बिना बिना पे सजा नहीं दिया जा सकता है, है ना तो ये चीज बताई गई है कि इसे खत्म करना चाहिए सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी और इसका थीम होगा कल्चरल डायवर्सिटी ऑफ इंडिया और इट वुड आल्सो बी अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत तो ये तीन चार चीजें इम्पोर्टेंट है एंड बैकग्राउंड ये है कि क्या क्या टाइमलाइन थी कैसे कैसे क्या हुआ तो जस्ट गिव अ रीड ओके स्कूल बैग पॉलिसी जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह स्कूल बैग से रिलेटेड है uh, आपको भी पता होगा कि जब हम बच्चे थे तो हम कितने हैवी बैग्स कैरी करके जाते थे स्कूल में तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हमें अपने बच्चों पे ज्यादा एक तो पढ़ाई का बोझ उन पर पहले से ही है तो हमें और बोझ नहीं डालना है जो भी हम चीजें आसान कर सकते हैं बच्चों के लिए वो करेंगे ये बहुत टाइम से ही uh, करना चाहिए था बट अभी जाके हो रहा है तो Not, uh, it, it is also good. मतलब दे रहा है दुरुस्त है जैसा काम है तो ठीक है हेवी स्कूल बैग जो है वो सीरियस थ्रेट है हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट के लिए ओके okay? तो ऑब्वियसली इट हैज अवियर एडवर्स फिजिकल इफेक्ट है ना हम सबको पता है तो अब इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स के ऊपर और स्कूल के ऊपर तो टीचर्स को हमेशा चेक करते रहना होगा बच्चों का बैग कि वो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बुक्स या किताबें तो नहीं लेकर आए और उनको एक टाइम बनाना होगा टाइम टेबल बनाना होगा कि उनको बताना होगा बच्चों को कि आज इस दिन ये पढ़ाई होगी तो आपको यही बैग्स कैरी करने हैं यही बुक्स कैरी करनी है और जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है ये भी अच्छे प्रोवाइड कराई जाए क्लीन एंड सुरक्षित पानी मतलब साफ सुरक्षित पानी दिया जाए बच्चों को पीने के लिए यह स्कूल की जिम्मेदारी बनती है ताकि वो बौ, वाटर बॉटल का भी जो आ, आ, भार है वो बच्चों पे ना आए ओके और ये एनसीईआरटी ने रिलीज किया है सर्कुलर सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट ट्रैक सोशल मीडिया टू चेक पेंगुल पोचिंग अब सोशल मीडिया को ट्रैक किया जाएगा ताकि हम पैंगुलिन पोचिंग से रिलेटेड कोई भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन uh, मिलती है तो हम वहां पता कर सकें और उसको वहीं पर रोक सकें ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्ट्रेस द नीड फॉर स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू चेक पैंगुलिन पोचिंग एंड ट्रेडिंग ओके तो ये जो है इंडियन पैंगुलिन यहाँ पे आठ स्पीशीज होती हैं पैंगुलिन की जिसमें से दो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं एंड ये रहा हमारा पैंगुलिन जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इंडियन पैंगुलिन आई में एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है चाइनीज पैंगुलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लिस्टेड अंडर स्केड्यूल वन ओके इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी द राइट ऑफ कंज्यूमर्स द पार मिनिस्ट्री आर के सिंह रिसेंटली अनाउंस द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी ये जो रूल्स है ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम मतलब इंडियन डिस्कॉम्स जो हैं वो काफी आ, आ, उनको प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंसेस मैनेज करने में जैसा कि हमको पता है कोरोना की वजह से हम सबकी पेमेंट में कितना ड्रॉप हुआ है कंज्यूमर्स जो है वो बिल नहीं पे कर पा रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि हम सबकी हालत बहुत खराब है एंड जैसा कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो डबल होने वाला है 2030 तक तो हम लोगों को ऐसे अप्लायसेस लाने चाहिए यूज में हमें ऐसे खरीदने चाहिए ताकि जिससे हम uh, मतलब कि uh, इंडिया की जो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको सेटिस्फाई किया जा सके ठीक है तो एक डिस्काउंट uh, के ऊपर एक ये वो बन जाता है एक ड्यूटी बन जाता है कि अवेयर किया जाए कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाए ठीक है और ये कैसे हो सकता है इसका सोल्यूशन क्या है टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एनर्जी एफिशियंट अप्लायसेस है ना एंड एक जैसा मैंने बोला कि अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए है ना एंड स्मार्ट मीटर्स और ये सब स्टेप्स लेकर हम कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकते हैं ताकि दोनों साइड्स को फायदा हो सके कंज्यूमर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी मिल सके जिससे वो कंज्यूम करें कम कम कंजम्पशन हो और उनका जो बिल है वो भी कम आए और यहां पर हम सबको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करा पाए ठीक है बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ था केरला में ये प्लेसेस है जहां पे हुआ था द प्रेजेंस ऑफ एच फाइव सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस तो ये जो है एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है जो बहुत सारी स्पीशीज को अफेक्ट करती है बर्ड्स में ओके एंड एच स्टैंड फॉर हेमाग्लोटेनिन एंड एन स्टैंड फॉर न्यूरा मनी जेस ओके तो ये आप पढ़ लो इसके बारे में अच्छे से एंड ये जो एच फाइव एन एट स्ट्रेन है एच फाइव एन एट स्ट्रेन है दिस इज लेस लीसल ओके फॉर ह्यूमन्स बर्ड्स के लिए लीथल है बट फॉर ह्यूमन्स एक लेस लीथल है क्योंकि ये ज्यादा नहीं ट्रांसमिट होता है जबकि एच फाइव एन वन जो है उसके हायर चांसेस होते हैं ट्रांसमिट करने के ओके फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम जैसा हमने यूनियन बजट दो हजार उन्नीस में सुना था कि एक फेसलेस ई असैसमेंट आएगा फेसलेस से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें हमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू रिमूव फिजिकल इंटरैक्शन एज मच एज पॉसिबल ओके तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि हमारा ये जो असेसमेंट होगा इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी ओके okay? एफिशियंसी आएगी अकाउंटेबिलिटी आएगी है ना और Uh, जब ये सारा काम ऑनलाइन होगा तो हमारे सामने होगा सब कुछ और अगर कोई ऑफिशियल किसी बेसिस पर है कैसे भी आपको परेशान कर रहा है हरास कर रहा है किसी इंडिविजुअल को तो वो भी सब सामने आ सकता है मतलब लेस चांसेस होंगे हरासमेंट के और बाकी uh, किसी जैसे इंडिविजुअल परेशान ना हो सब कुछ सामने हो तो दोनों साइड से क्लियर रहे चीजें ओके okay? तो ये चीजें हैं कि uh, ये जो है ये काफी टू uh, 24,000 फाइनल ऑर्डर्स आ चुके हैं ठीक है सिंस इट्स इंसेप्शन ओके 2020, अगस्त 2020 से अभी तक ठीक है तो फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिकेटेड दैट द स्कीम वाज अप एंड रनिंग रोबस्टली, ये काफी अच्छे से चल रहा है ओके okay? एंड 800 केसेस हैव आल्सो कंक्लूडेड द फेसलेस अपील्स प्रोसेस ओके ईरान स्टेप्स अप यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान जो है यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है ट्वेंटी परसेंट तक इसने स्टार्ट कर दिया है एनरिचमेंट करना एंड ये जो 20% परसेंट है इट इज वेरी हार्मुल नहीं होना चाहिए था इट इज अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर डील ओके ट्वेंटी इट इज अगेंस्ट न्यूक्लियर डील ट्वेंटी तो बाकी कंट्रीज ने भी ऑब्जेक्ट किया है बट अब ये जो एनरिचमेंट हो रहा है इसमें अगर हम मोर देन 90 परसेंट एनरिचमेंट करते हैं तो ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए थ्री टू फोर परसेंट एनरिचमेंट इज ओके सो ये कैसे किया जाता है इट इज प्रोड्यूस बाय फीडिंग यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस इनटू टू सेंट्री फ्यूग टू सेपरेट आउट द मोस्ट स्यूटेबल आइसोटॉप फॉर न्यूक्लियर फिजन अंडर u2, uh, which is called uranium 235. power ministry proposes pushing back emission norms deadline. okay? so this is uh, new emission norms by coal-fired power plants. Okay? it is said that unworkable time schedule would burden utilities and lead to an increase in power tariffs. तो इंडिया इनिशियली हैड सेट ऑफ 2017 डेडलाइन फॉर थर्मल पावर प्लांट्स टू कंप्लाई विद एमिशन स्टैंडर्ड फॉर इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट्स ये इंपॉर्टेंट है बट ठीक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना एंड दैट वुड बी इनफ सो व्हाट इज फ्लू गैस डी ये याद कर लेना क्योंकि ये जरूरी है समझना ये टर्म पूछी जा सकती है सुपर so, बाइट यहाँ पे एक स्कॉलरशिप बनाई गई है मलाला यूसुफ जाय स्कॉलरशिप एक्ट जिसके तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी पाकिस्तानी वुमेन को इन हायर एजुकेशन अंडर मेरिट एंड नीड्स बेस्ड प्रोग्राम ओके एंड यहाँ पे एक लोन दिया गया बेंगलुरु को टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड पंकज मिथाई एस एन एस सीजे ऑफ जे एन के लद्दाख कोर्ट नेक्स्ट इज मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव हुआ था 2021 में ये पढ़ लेना इसके बारे में और यहाँ पे सेक्शन 29 की बात की गई है ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ये uh, इसमें बोला गया है कि ओनली अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्रुएल्टी कैन लूज हिज एनिमल जैसा हमने पिछली बार पढ़ा कि मेयर सोस्पेशन पे कैटल को uh, अलग कर दिया जाता था उसके मालिक से यहां पे बोला गया है कि ओनली आफ्टर कन्विक्शन अ पर्सन कैन लूज हिज एनिमल ठीक है यहाँ पे बजट सेशंस के बारे में बताया गया है टेक अ लुक एंड बजट सेशंस को आपको पता ही होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि कितने होते हैं होते हैं और कै, आ, कैसे होते हैं तो थ्री सेशंस होते हैं बजट मॉनसून विंटर और यहाँ पे न्यूक्लियर डील के बारे में बात की गई है ठीक है तो ये किन किन कंट्रीज के बीच में ईरान पी एंड पी फाइव प्लस वन नाउ स्टेट ऑफ हॉर्मोस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट ओके और ये पर्जियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करता है वे दरेबियन सी जनवरी तो यहां पर सेंटर uh, ने सुप्रीम uh, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है सेंटर के प्लान को टू बिल्डर थ्री टाइम्स बिगर पार्लियामेंट अभी इसके बारे में पढ़ लेना और इंडियाज ग्रोथ बक्स ग्लोबल ट्रेंड तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है हैज बिन हिट बाय सेकंड वेव्स ऑफ इन्फेक्शन ये जो रिकवरी हो रही थी ग्लोबल इकोनॉमी की इसको वापस से हिट कर दिया है सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन ने और और भी ज्यादा स्ट्रेंजेंट लॉकडाउन ने मतलब जब सेकेंड वेव आई कोरोना की तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्टर लॉकडाउन हो चुके हैं तो लेकिन इंडिया का क्या सीन है क्योंकि इंडिया इकॉनॉमी इज राइडिंग अगेंस्ट द कोविड 19 वेव ओके एंड This is as far as global economy is concerned. The rise in lockdown stringency due to second wave of COVID-19 has slowed down recovery. ठीक है यहाँ पे second lockdown तो हुआ नहीं यहाँ पे एक ही बार lockdown हुआ था। बाकी countries में हो रहा है तो वहाँ पे recovery जो recovery rate है वो slow हो चुकी है okay और India में आ, ये normal growth हो रही है कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन नेचुरल गैस पाइपलाइन ये वन नेशन वन ग्रेड पॉलिसी के अंडर आता है ठीक है एंड इसका गोल क्या है टू मेक द कंट्री एनर्जी एफिशिएंट एंड रिड्यूस एक्सपेंडिचर ओके और हमारा प्लान जो है नेचुरल गैस का uh, क्या है कि हमें सिक्स टू फोर्टीन परसेंट जाना है बाय ट्वेंटी ठीक है और ये इंफॉर्मेशन दी गई है पाइपलाइन के बारे में कि ये गेल बना रहा है एंड ये कितना पर डे कितना सप्लाई करने वाला है ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कितनी है इसकी ओके okay? सो so ये पूरा रूट है जस्ट हैव अ लोकेटेड ओके ये मैंगलुरु टू कोची कोची टू मैंगलुरु ठीक है एशियन वाटर बर्ड सेंसस ये टू डे वाटर बर्ड सेंसस है जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ है एंड इट इज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ठीक है और एटलीस्ट टू डजन साइट मतलब इसने दो डजन साइट को कवर किया है इंक्लूडिंग कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लेरू लेक एंड कृष्णा सेंचुरी ये जो सेंचुरीज मैंशन की गई है इनके बारे में प्लीज जाके पढ़ना क्योंकि जो भी चीजें न्यूज में आती है उनसे सवाल बनते हैं ठीक है और आपको पता है सेंचुरीज लेक्स ये सब इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स है यूपीएससी के तो रीड वेल ओके एंड ये जो है एशियन बर्ड सेंसस के बारे में बताया गया है ठीक है लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट टॉपिक गल्फ क्राइसिस सऊदी हैज डिसाइडेड टू ओपन इट्स एयर स्पेस एंड लैंड बॉर्डर टू कतर ठीक है ये ब्लॉक कर दिया गया था मतलब कतर कतर्स ओनली लैंड बॉर्डर हैज बीन मोस्टली क्लोज सिंस 2017 जब सऊदी इजिप्ट यूएई एंड बहरेन इनके जितने भी क्लोजेस्ट कंट्रीज है इन्होंने ब्लॉकेट बना दिया था अगेंस्ट द टाइनी गर्फ कतर ये ब्लॉकेट क्यों बनाया गया था क्योंकि दे एक्यूज कतर फॉर सपोर्टिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड हैविंग वार्म ईरान ठीक है एंड अभी ये ओपन हो चुका है तो दोनों आ, कतर के लिए भी अच्छा है बाकी कंट्रीज के लिए तो अच्छा होना ही है ठीक है तो इट वुड बी गुड फॉर कतर और उनकी मुश्किलें हल होंगी अब हैकथन फॉर टॉयज ये जो हैकथन फॉर टॉयज है ये सेंटर हैज लॉन्च फॉर स्टूडेंट टीचर एंड स्टार्टअप और ये बेस्ड होगा इंडियन कल्चर इथोज लोकल फोकलोर हीरोज एंड इंडियन वैल्यू सिस्टम पे तो नाइन थीम्स होंगी और ये जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है ये एक बार पढ़ लेना ये इतनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं इनमें से एक दो ही पूछी जाएंगी तो ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड है स्टूडेंट्स टीचर्स तो आपको एक आइडिया तो आ ही जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इसे रट्टा मार लो अभी के अभी ठीक है इसमें ट्रेंड बताए गए हैं ये ट्रेंड्स आप सारे पढ़ लेना पीडीएफ से ओके यहाँ पे ये भी एंड फिल्म बाइट से शेप्ड रिकवरी क्या है रिकवरी द इकोनॉमी क्विकली रिकोब्स लॉस ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू नॉर्मल ग्रोथ ठीक है वापस से नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ठीक है इसमें 1.7 ट्रिलियन अनप्रिविलेज पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर्स को दिए जाएंगे एक रिलीफ पैकेज है फॉर अनप्रिविलेज पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर्स जो कि लॉकडाउन से अफेक्ट हुए हैं और कोविड 19 क्राइसिस की वजह से इसके दो पार्ट्स हैं एक कैश ट्रांसफर होगा एक फूड सिक्योरिटी होगी ठीक है तो नेचुरल गैस के बारे में बताया गया है ये देख लेना आप ये क्लीनेस्ट है अमंग ऑल दी अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट एक बार अच्छे से पढ़ के याद कर लो एक आइडिया पिक्चर बना लो नेचुरल गैस के बारे में क्योंकि पूछ सकते हैं कतर और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में बताया गया है तो आप देख लो इनकी लोकेशन देख लो और ये कौन कौन सी कंट्रीज से आसपास हैं ये ओके